दोस्तों बूस्टी मोदी मीडिया का डिबेट कराने का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जब से एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है तब से मोदी मीडिया और गिरने लगा है। मोदी मीडिया का वही पुराना तरीका है डिबेट कराने का, अच्छी प्रवक्ताओं से क्वेश्चन करना, जवाब देने का मौका न देना। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कैसे मोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में भाजपा को 400 पार का क्या हुआ, तो इसी मोदी मीडिया को साफ समझाता है और मोदी मीडिया इधर उधर की बातें कर रही है। 400 पार आप लोग करवा रहे थे ये तो साफ हो गया, तो गुल्लू भैया किस तरीके की की बातें कर रहे हैं, सुनिए मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं, गुल्लू भैया को देखते हैं कि गुल्लू भैया आज कौन सी कमेटी करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते जी, डॉक्टर भदौरिया से। तो पीडीए के आगे आपको लगता है अमीश देवगन जी, इनको गुल्लू भी कहते हैं, फेल हो गया। तोबा तोबा, शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम खराब कर दिया। पीडीए वर्सेस हिंदू, हम समाजवादी लोग हिंदुत्व से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं जी। समाज के अंदर में युवा है, छात्र है, महिलाएं हैं, किसान हैं, आम आदमी हैं जी। और वो परेशानी उस किस बात से होती है उनको? उनको परेशानी होती है महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक न्याय से। आप लोगों की जरूरतें उसके ऊपर काम किया, हमने कहा पीडीए हमारा है और हम समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम इसको लेके जनता के बीच में रहे और आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद भी किसको मिला, समाजवादियों को मिला। भी प्रभु राम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा है उनके साथ प्रभु राम खड़े दिखाई देंगे। ये बड़ी अच्छी बात, तगड़ी धुलाई की है गुल्लू। रामेश्वरम में भी हम जीते, नासिक में भी हम जीते, अयोध्या में भी हम जीते। ये समाजवादी के इसलिए जीती है इंडिया गठबंधन क्योंकि वो भगवान प्रभु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी राय में हिंदुत्व हार गया, पीडीए जीत गया? मेरी राय में हिंदुत्व की बात को फिर आपने हिंदुत्व और मुस्लिम इस पे आ गए। मेरे समाज में हिंदुस्तान जीता है, हिंदुस्तान जीता है, हिंदू मुस्लिम जरूर इसको हिंदुत्व में, हिंदुत्व के लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। पीडीए तो सबके लिए है, पीडीए तो सबके लिए है। यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किस पे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, मीट पे की, मछली पे की, मुर्गे पे? इतनी तगड़ी धुलाई गुल्लू महाराज की, मुंह देखो इसका, इसको क्या बाबरी ताला पे की? आप इसमें वोट मांगे, भैंस खोलने पे वोट मांगेंगे? आपने जनता के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जनता ने आपको नकार दिया। ओके, ठीक है, अभी भी वही बात, पीडीए जीता है क्योंकि पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। पीडीए के मतलब आप इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स क्या है? इंडिया अलायंस की टोटल सीट 234 और बीजेपी की? देखो गुल्लू, गुल्लू को देखो, बीजेपी की सीट इस तरीके से डिबेट करवा, जीता कौन है? थी 400 पार, जीता कौन है? मतलब आप बताइए, 400 पार, जीता 240 वाला या 234 वाला? हारने लगा तो बच्चों की तरफ जाया, 234 नहीं रह गए 240 पे आप आने। नहीं, आप बात इधर कीजिए ना, उधर कहां जा रहे हैं? ये नहीं सुधरने वाले, ये सब नहीं सुधरने वाले। हिंदू हारा, हिंदुत्व हारा इस बात, लेकिन ईवीएम तो फाइनली जीत गई। अब ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार कंधों पर? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। उत्तर प्रदेश में जनता को जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और दर्द क्या था मैं आपको बता रहा हूं। दर्द वो था, हम लोग आवाज उठा रहे थे, हथरस की बेटी, दलित बेटी को रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनना नहीं चाहते, आवाज उठाई, सरकार चुप रही। पर वो आवाज तो आपने आपने 19 में भी उठाई, तो ठीक है, वो आपने 22 में भी उठाई, निरंतर जनता को सुन तो लीजिए। अरे स्वाभाविक बात है, आवाज फिर आ गए, देखो यार मैं आपसे किस तरीके से गुल्लू की धुलाई चल रही है। लेकिन डिबेट छोड़ के नहीं जाऊंगा आपकी तरह पीठ दिखा के भागने लगूंगा, पीठ नहीं दिखाता। पूरा भाजपा को डिफेंड करने के लिए गुल्लू जी को लगाया गया, इतनी धुलाई होती, इतनी बेइज्जती होती, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। हर कोई इसको बजा कर जाता है, इसके डिबेट में कोई ही नहीं होता है। उसके बावजूद किस तरीके से बता रहा है हिंदुत्व की हार हो गई है, पीडीए की जीत हो गई है। अरे पीडीए और कांग्रेस में हिंदुत्व कहां से आ गया भैया? हिंदू तो जीते ही है, हिंदू तो दोनों पार्टियां में होती हैं, लेकिन इनका काम क्या है? हिंदू मुस्लिम करवाना। आप अगर भारत बीजेपी में नहीं हो तो आप हिंदू विरोधी हो, बीजेपी के साथ हो, सबसे बड़े राम भक्त हो। तो इनका डिबेट करने का तरीका यही है। गुल्लू महाराज के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट में दो शब्द जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।